हेलो फ्रेंड्स, भावना के जायका में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं फिर आ गई हूँ एक नई रेसिपी के साथ। आज मैं बनाने जा रही हूँ भेज कटलेट, जो कि खाने में तो बहुत ही मजेदार लगता है। तो आप इसे किसी भी छोटे मोटे घर के पार्टी में स्टार्टर के रूप में बना सकते हैं। तो चलिए इस मजेदार रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। भेज कटलेट बनाने के लिए हमें सबसे पहले 6 ब्रेड ले लिए हैं। ब्रेड को अगल बगल से हम सबसे पहले चाकू से काट देंगे ताकि वो कड़ा वाला पार्ट हम इसे निकाल सकें। इस तरीके से चारों तरफ से हम निकाल देंगे। अब हम इसे मिक्सी के जार में डाल के इसका ब्रेड क्रम्स बना लेंगे। ये देखिए, इसी तरीके का हमें इसे ब्रेड क्रम्स का पाउडर बनाना है। ये हमने 4 बड़े आलू को मैश करके रखा, उबले हुए आलू हमारे हैं, इसे हमने मैश कर दिया है। ऐसे हम बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र कर रहे हैं ताकि हम सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर पाए। ये हमारा आलू है, बस 4 आलू है, बहुत ज़्यादा आलू नहीं देना है। ये एक बंधा है, 200-250 ग्राम बंधा, उसे मैंने इसे भी कद्दूकश किया हुआ है। और 2 गाजर है, इसे भी हमने कद्दूकश कर दिया है। और 2 हरी मिर्च, इसे भी फाइनली चॉप्ड है। और 2-4 लहसुन की कलियां और अदरक। और फिर इसे ब्रेड क्रम्स जो हमने पीस के रखा है उसे भी हम उसमें डाल देंगे। और 1 चम्मच नमक, नमक आपके स्वाद के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच चाट मसाला। इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। एक डो के रूप में ब्रेड हमारा बाइंडिंग का काम करेगा। ये देखिए, डो के तरह हमारा ये तैयार है। और हम इधर वो जो ब्रेड का किनारा काट के रखे थे उसे भी हम इसका भी पाउडर बना लेंगे। अब इसे डो को हम एक इस हाथ में पहले सबसे पहले हम तेल लगा लेंगे। तेल लगाने के बाद इसे इसी तरीके से इसे प्रेस करते हुए हम लॉलीपॉप का आकार देंगे। इसी तरह से अगल बगल प्रेस कीजिए और इस स्टिक में, आइसक्रीम वाले स्टिक में अच्छे से इसे अंदर तक घुसा दें। एकदम इंड तक ये जाना चाहिए, ध्यान देना है। और अगल बगल से पूरा इसे प्रेस कर दें, नीचे से भी प्रेस कर दें ताकि ये उसे निकले नहीं, ज़्यादा अच्छे से हमारा वो बाइंडिंग हो जाए, ये ध्यान देना है। इसी तरीके से हमें प्रेस करते जाना और ये स्टिक उसमें घुसाते जाना है। एकदम ये ध्यान रखना है कि ये स्टिक एकदम अंदर तक जाए। इस तरीके से हम और भी ये सब तैयार कर लेंगे। ये देखिए, हमारा लॉलीपॉप्स तैयार है। इधर हम अब एक बाउल ले लिए हैं, उसमें हम 1/4 कप मैदा और 1/4 कप आरा रोट, इन दोनों चीज़ों को एक साथ डाल देंगे बराबर मात्रा में। और उसमें 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है और 1/2 चम्मच लाल मिर्च, ये कश्मीरी लाल मिर्च है, इसे कलर बहुत ही अच्छा आता है। और 1 चम्मच नमक, नमक आप पहले भी डालें इसलिए नमक थोड़ा कम ही डालें, ये ध्यान रखना है। अब इन सभी चीज़ों को पानी की मदद से एक घोल के रूप में तैयार कर लेंगे हम। ये घोल ज़्यादा ना ही गाढ़ा होना चाहिए और ना ही पतला, ये ध्यान रखना है कि इसमें लम्स ना रहे, इसी तरीके का हमारा घोल होना चाहिए। ये हमारा घोल तैयार है, ये हमारा ब्रेड क्रम्स है। अब वो जो लॉलीपॉप हमने बनाया था इसे इस घोल में डिप कर देंगे। चारों तरफ से चम्मच की मदद से इसे पूरा अच्छे से कोट कर लेंगे हम। पहले उसमें कोट किए, उसके बाद फिर हम इस पर ब्रेड क्रम्स से कोट कर देंगे। ब्रेड क्रम्स लगाने से बहुत ही अच्छा क्रिस्पी बनता है लॉलीपॉप। इसी तरीके से हम सारे लॉलीपॉप्स को कवर कर इसे कोट करते हुए रख देंगे। ऐसे बनाने के बाद इसे रेस्ट नहीं करने देना है, बस तुरंत ही बना देना है। इधर हमारा कढ़ाई में तेल गर्म हो रहा है, इसमें हम इसी तरीके से कढ़ाई के बगल में इसे अटका के स्टिक को पलट पलट के इसे हम गोल्डन ब्राउन होने तक छान लेंगे। बस इसे और कुछ नहीं करना, बस डंडी से इसे पलटते जाना है। ऐसे मीडियम फ्लेम पे ही पकाना, बहुत तेज़ फ्लेम पे ना पकाएं ताकि अंदर तक अच्छे से पक सके और क्रिस्पी हो सके। इसे ध्यान रखना है कि इसे हम मीडियम फ्लेम पे ही पकाना है। इसी तरीके से पलट पलट के हम पका देंगे। और अगर थोड़ा सा ऊपर वाला पार्ट बच जाए तो उसमें हल्का हल्का और चम्मच की मदद से उसके ऊपर गर्म तेल डाल देने से वो अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाता है। ये देखिए, हमारा एकदम अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुका है। इसी तरीके से हम दूसरे से ट्रिप में भी डाल देंगे और उसे भी घुमा घुमा के इसी तरीके से हम छान लेंगे। देखिए, हमारा
वेज लॉलीपॉप तैयार है। दिखने से तो एकदम लेग पीस जैसा दिख, चिकन लेग पीस जैसा दिख रहा है। अगर आपको स्टिक लगा से के छानने में दिक्कत हो तो आप इसे गोल गोल इस तरीके से छान के और इस स्टिक को ऐसे करके भी इसमें प्रेस करके डाल सकते हैं, लेकिन ऐसे वाले में थोड़ा स्टिक निकलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ऐसे वो पहले उसमें लगा के छानने से ऐसा नहीं होता है, ऐसे करके भी आप बना सकते हैं। ये देखिए लॉलीपॉप हमारा तैयार है, बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी। इसे सॉस के साथ सर्व करें, बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही ना भूलें।